नमस्कार दोस्तों, आज है 20 अप्रैल 2020 और मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ यू एंड का करंट अफेयर्स क्विज़। तो चलिए बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं अपना आज का करंट अफेयर्स क्विज़। देखिए, पहला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस देश में कोरोना वायरस से लड़ने के लिए 1,000 मीटर से बड़े आकार का भारतीय तिरंगा फहराया गया है। ऑप्शन देख लेते हैं, ए है जर्मनी, बी है अफगानिस्तान, सी है कनाडा और डी है स्विट्जरलैंड। और दोस्तों, इसका सही उत्तर है डी, स्विट्जरलैंड। जैसा कि आप सबको पता ही है कि कोरोना वायरस से लड़ने के लिए स्विट्जरलैंड में निवास कर रहे भारतीयों ने एकजुटता दिखाते हुए 1,000 मीटर से भी बड़े भारतीय तिरंगे को स्विट्जरलैंड के जरमैट मैटरहॉर्न पर्वत पर प्रदर्शित किया था। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, जो है, हाल ही में कौन से देश में डिजिटल ट्रैकिंग के द्वारा लॉकडाउन की व्यवस्था अपनाई जा रही है। देखिए, कौन सा देश है जहां पर डिजिटल ट्रैकिंग के द्वारा लॉकडाउन की व्यवस्था अपनाई जा रही है। ऑप्शन देख लेते हैं, ए रूस, बी अमेरिका, सी जर्मनी या डी ईरान। और दोस्तों, इसका सही उत्तर है ए रूस। रूस में क्या है, देखिए, डिजिटल ट्रैकिंग के जरिए लॉकडाउन की जो व्यवस्था है वो बनाई जा रही है। देखिए, रूस के मास्को तथा आसपास के रहने वाले 14 साल से ज़्यादा उम्र के लोग यदि शहर से निकलना चाहते हैं तो उन्हें QR कोड डाउनलोड करना होगा और सरकारी वेबसाइट पर रजिस्टर कर या अपने स्मार्टफोन में एक ऐप डाउनलोड कर नागरिक अपने यात्रा मार्ग और यात्रा मकसद की पूर्व घोषणा कर सकते हैं। और इसके बाद एक QR कोड मिलेगा जिसे क्या है कि अधिकारी जांच के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, हाल ही में किस निजी क्षेत्र के बैंक को COVID-19 के बावजूद पहली तिमाही में बैंक के कंसोलिडेटेड शुद्ध मुनाफा 7,280.22 करोड़ रहा है। देखिए, ऑप्शन देख लेते हैं, ए ICICI बैंक, बी HDFC बैंक, सी एक्सिस बैंक, डी स्टैंडर्ड चार्टर बैंक। और दोस्तों, इसका सही उत्तर है बी HDFC बैंक। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण DBT के अंतर्गत लाने का फैसला किया जा रहा है। ऑप्शन देख लेते हैं, ए है कोयला, बी है पेट्रोलियम, सी है बिजली और डी है दवाएं। और दोस्तों, इसका सही उत्तर है सी बिजली। देखिए, हाल ही में बिजली मंत्रालय ने बिजली संशोधन विधेयक 2020 को मंजूरी प्रदान की है और इसके तहत क्या है, समाज के बेहद गरीब तबके को के लोग जो हैं उन्हें सीधे लाभ पहुंचाने के लिए बिजली क्षेत्र में भी सब्सिडी के वितरण के लिए प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण यानी DBT का तरीका अपनाने का प्रावधान किया जा रहा है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है, विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन देख लेते हैं, ए है 15 अप्रैल, बी है 16 अप्रैल, सी है 17 अप्रैल और डी है 18 अप्रैल। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 18 अप्रैल। देखिए, 18 अप्रैल 2020 को संपूर्ण विश्व में विश्व विरासत दिवस मनाया गया। हाल ही में RB भुसकुटे का निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से था। आइए ऑप्शन देख लेते हैं, ए पर्यावरणविद, बी साहित्यकार, सी स्वतंत्रता सेनानी या फिर डी खेल से। और दोस्तों, का सही उत्तर है ऑप्शन सी, स्वतंत्रता सेनानी। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, हाल ही में किस देश में आयोजित होने वाले यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति का 44वां सत्र स्थगित कर दिया गया है। ऑप्शन देख लेते हैं, ए है चीन, बी है ताइवान, सी है जर्मनी और डी है तुर्कमेनिस्तान। और दोस्तों, इसका सही उत्तर है ए चीन। देखिए, यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति का 44वां सत्र 29 जून से 9 जुलाई के बीच चीन में प्रस्तावित था और जिसे क्या है कि अब COVID-19 की वजह से स्थगित कर दिया गया है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो है, एडिसन अवार्ड किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है, कौन सा अवार्ड, एडिसन अवार्ड किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। ऑप्शन देख लेते हैं, ए शिक्षा के क्षेत्र में, बी नवाचारों तथा इनोवेटर्स को या फिर सी खेल के क्षेत्र में या फिर डी गणित के क्षेत्र में। और दोस्तों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, नवाचारों तथा इनोवेटर्स को। देखिए, एडिसन अवार्ड विश्व भर में सर्वश्रेष्ठ नवाचारों तथा इनोवेटर्स को दिया जाता है और वर्ष 2020 का अवार्ड जो है वो किसे दिया गया है, टाटा पावर को। तो बट एडिसन अवार्ड 2020 दिया गया है टाटा पावर को, ये आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, जो है, हाल ही में निम्नलिखित में से खेल के कौन से संघ ने आजीवन मानद पदों को खत्म करने का फैसला लिया है। ऑप्शन देख लेते हैं, ए है अखिल भारतीय टेनिस संघ, बी है अखिल भारतीय फुटबॉल संघ या सी है अखिल भारतीय शतरंज संघ और डी है अखिल भारतीय निशानेबाजी संघ। और दोस्तों, इसका सही उत्तर है ए, अखिल भारतीय टेनिस संघ। अखिल भारतीय टेनिस संघ ने क्या किया है, इसको समाप्त करने का, जो आजीवन सलाहकार जैसे मानद पदों को समाप्त करने का फैसला लिया है।
और ये किसके निर्देश पे लिया है? खेल मंत्रालय के। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कोविड-19 के कारण बीच में ही स्थगित की गई आई लीग फुटबॉल प्रतियोगिता 2020 का विजेता कौन घोषित किया गया है? ऑप्शन देख लेते हैं। ए मोहन बागान, बी ईस्ट बंगाल, या सी वेस्ट बंगाल, या डी इनमें से कोई भी नहीं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए मोहन बागान। मोहन बागान को जो क्या है कि आई लीग फुटबॉल प्रतियोगिता 2020 जो हो रही थी, जिसे बीच में ही स्थगित कर दिया गया था कोविड-19 के कारण, तो उसमें सबसे ज़्यादा जो स्कोर था वो अब तक मोहन बागान का था, इसलिए उन्हें विजेता घोषित कर दिया गया है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में स्टार स्पोर्ट्स ने IPL का सर्वकालिक महान कप्तान किसे घोषित किया है? ऑप्शन देख लेते हैं। ए महेंद्र सिंह धोनी, बी विराट कोहली, सी रोहित शर्मा, या फिर डी ए और सी दोनों। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी ए और सी दोनों। देखिए स्टार स्पोर्ट्स ने चेन्नई सुपर किंग के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी तथा मुंबई इंडियंस के कप्तान रोहित शर्मा को संयुक्त रूप से IPL का सबसे महान कप्तान घोषित किया है, और दक्षिण अफ्रीका के एबी डिविलियर्स को सर्वकालिक महान बल्लेबाज तथा श्रीलंका के लसित मलिंगा को सर्वकालिक महान गेंदबाज घोषित किया है। एक बार फिर से देख लेते हैं। देखिए चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान जो है महेंद्र सिंह धोनी और मुंबई इंडियंस के कप्तान रोहित शर्मा, इन दोनों को संयुक्त रूप से क्या किया गया है? IPL का सबसे महान कप्तान घोषित किया गया है, और दक्षिण अफ्रीका के एबी डिविलियर्स को सर्वकालिक महान बल्लेबाज और लसित मलिंगा जो है श्रीलंका के, उन्हें क्या किया है? सर्वकालिक महान गेंदबाज घोषित किया गया है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में कौन से राज्य सरकार ने डोर टू डोर सर्वे के लिए एसेस करोना नामक ऐप लॉन्च किया है? ऑप्शन देख लेते हैं। ए दिल्ली, बी बिहार, सी उत्तर प्रदेश, डी महाराष्ट्र। और दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए दिल्ली। दिल्ली की सरकार ने एसएस करोना नाम की एक ऐप लॉन्च की है जिसमें डोर टू डोर सर्वे किया जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आज के प्रश्न की ओर, जिसका उत्तर आपको क्या करना है? कमेंट के माध्यम से देना है। तो क्वेश्चन है, सिंधु नदी तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सी नदी शामिल नहीं है? ऑप्शन देख लेते हैं। ए सतलज, बी ब्यास, सी चिनाब, और डी माही। तो दोस्तों जल्दी से आपको देना है कमेंट के माध्यम से इस प्रश्न का उत्तर, और इस टेस्ट को जो है आप PDF की अगर फॉर्म में डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आप ऑनलाइन टेस्ट अटेम्प्ट करना चाहते हैं वेबसाइट से, तो उसके लिए भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और उसके साथ साथ में आपको करना क्या है कि अगर आप नए आए हैं तो आपको सब्सक्राइब करना है हमारा चैनल, और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, अगर पसंद नहीं आया तो इसे डिसलाइक भी कीजिए, और साथ साथ में आपको शेयर भी करना है अपने सोशल मीडिया फ्रेंड्स के साथ। और बाकी आप हमें कमेंट के माध्यम से अपनी फीडबैक भी दे सकते हैं, और आप हमारी जो वेबसाइट है test.uvn.org, वहाँ से हमारे और भी टेस्ट सीरीज़ जो हैं फ्री टेस्ट हैं, लगभग 1000 से ऊपर टेस्ट अभी फ्री अवेलेबल हैं, जिसमें सब्जेक्ट वाइज टेस्ट हैं, टॉपिक वाइज टेस्ट हैं, फुल एग्ज़ाम वाइज टेस्ट हैं, आप उन्हें भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। और कुछ हमारे प्रीमियम टेस्ट सीरीज़ भी हैं, टेस्ट कोर्सेज़ हैं, आप उन्हें वहाँ से ज्वाइन भी कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और आपको लाइक सब्सक्राइब करना ही है, मैंने बता ही दिया। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तक के लिए जय हिंद जय भारत।